गर्गाचार्य जी कौन है? गर्ग संहिता को लिखने वाले गर्गाचार्य जी हैं, और गर्गाचार्य जी भगवान कृष्ण के गुरु हैं, जिन्होंने भगवान को नामकरण किया, कृष्ण नाम रखा, वो गर्गाचार्य जी। भगवान कृष्ण के दीक्षा गुरु कौन है? जोर से, भगवान श्री कृष्ण के दीक्षा गुरु कौन है? अभी बताए, भगवान श्री कृष्ण के दीक्षा गुरु कौन है? जोर से, श्री गर्गाचार्य जी। और भगवान कृष्ण के शिक्षा गुरु कौन है? कौन? श्री सांदीपनि जी। उसी तरह भगवान राम के शिक्षा और दीक्षा गुरु कौन है? श्री वशिष्ठ जी। परंतु भगवान श्री राम के दीक्षा और शिक्षा गुरु तो श्री वशिष्ठ जी, परंतु भगवान राम के धनुर्विद्या के जो गुरु हैं वो कौन है? कौन है भगवान राम के धनुर्विद्या के गुरु कौन है? श्री विश्वामित्र जी। बात समझ में आई? शिक्षा गुरु अलग होते हैं, जैसे हमने कक्षा पहली से लेकर दसवीं तक या पीएचडी तक जो भी हमने ग्रहण किया, वो सब जितनों ने हमें पढ़ाया, टीचर ने पढ़ाया, हमारे प्रोफेसर ने हमें लेक्चर दिया, पढ़ाया लिखाया, वो सब चीजें जो पढ़ी वो सब हमारे शिक्षा गुरु हो गए। पर हमारे शिक्षा गुरु अलग होते हैं, वो हमारे शिक्षा गुरु हो गए जो पढ़ाए हैं। अब दीक्षा गुरु अलग होते हैं, जो आध्यात्म से जोड़े वो दीक्षा गुरु होते हैं, जो संसार के ज्ञान से जोड़े वो शिक्षा गुरु होते हैं। तो शिक्षा गुरु प्लस दीक्षा गुरु, ये इसलिए शिक्षा दीक्षा दोनों मेंटेन करके रखना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को क्षमा तब किए जब राधा जी से विवाह संपन्न हुआ। एक बार भगवान कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुराए। अब आपसे सवाल पूछूंगा मैं, भगवान कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुराए, तो बताओ कपड़े चुराया भगवान ने तो सही किया कि गलत किया? अब आप लोग नहाओ और कोई आपके कपड़े चुरा ले तो सही है या गलत है? सही है, बोलो मेरी माँ, सही है कि गलत है? गलत है। तो भगवान कृष्ण ने कपड़े चुराए गोपियों के, तो सही किया कि गलत? सही कि गलत? भाई किसी के कपड़े, देखो आज तक आप लोगों ने ये कथा सुनी होगी कि भगवान कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुराए, ये कथा सबको पता है। पर मैं कथा नहीं सुनाऊंगा, मैं कथा का सार सुनाऊंगा। कथा की द्वारा जो मैसेज मिलना है वो मैं आपको समझाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कपड़े चुराए ये तो बच्चे को भी पता है, पर क्यों चुराए ये किसी को नहीं पता। भगवान ने कपड़े चुराए ये सबको पता है, पर कपड़े क्यों चुराए ये किसी को नहीं पता। यही सार है, अब वो मैं सार आपको बताऊंगा। चलो बताओ भगवान ने कपड़े क्यों चुराए? क्यों चुराए आप लोग बताओ? मैया, ओ मेरी, कपड़े क्यों चुराए गोपियों के? क्यों चुराए? हाँ, क्योंकि गोपियां निर्वस्त्र नहा रही थी। क्योंकि गोपियां निर्वस्त्र नहा रही थी, और वो भी पब्लिक प्लेस में, अर्थात नदी में, जहां से कोई भी गुजर सकता था और गोपियों को निर्वस्त्र देख सकता था। तो भगवान को लगा ये तो बड़ा गलत है, आज तो हमने देखा, चलो कल कोई दूसरा देखेगा, परसों तीसरा देखेगा, हमारी घर की बहन बेटियां हैं इनकी, कल इन्हें निर्वस्त्र कोई देखे तो किसी का मन का क्या भरोसा कि उनका मन कहां चला जाए। इनके साथ कल को कोई दुराचार कर ले, कल इनको कोई पकड़ के इनके साथ गलत काम कर ले, तो जिम्मेदार कौन? तो भगवान ने कपड़े चुरा लिए।
फिर गोपियों ने कपड़े देखे कहाँ है, अरे चोरी हो गए, फिर घुस गई पानी में। कन्हैया तुमने चुराए हैं? हाँ हमने चुराए हैं। क्यों चुराए? तुम निर्वस्त्र होके नहाती हो, तुम्हारे कपड़े हम देंगे पर एक शर्त पर, पहले हमें वादा करो, प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करोगी। तो कपड़े चुराने का एक उद्देश्य था कि गोपियों को यह शिक्षा देना कि आज के बाद तुम कभी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना, क्योंकि ये मर्यादा के अनुकूल नहीं है। तो ये मैसेज देना था। अब आप ही बताओ, कपड़े चुराकर भगवान ने सही किया गलत किया? सही किया। भगवान तो भगवान है, उस समय भगवान की उम्र क्या थी? 6 वर्ष की रही, 6 वर्ष की उम्र थी, 6 साढ़े 6। अब 6 साढ़े 6 साल के बच्चे के अंदर कोई विषय वासना तो होगी नहीं कि उसने कोई गलत विचार से वस्त्र चुराए हो। इसलिए भगवान ने जो लीलाएं की उन लीलाओं के पीछे समाज को एक मैसेज है। और मैं आप लोगों से फिर कहूंगा, आप लोग अपने घर पर भी, अपने घर की टॉयलेट पर, वॉशरूम में नहाने स्नान घर पर भी आप लोग स्नान के समय निर्वस्त्र होकर स्नान ना करें। घर पर भी, अपने कमरे में भी स्नान निर्वस्त्र होकर ना करें, क्योंकि निर्वस्त्र होकर स्नान करने से लक्ष्मी की हानि होती है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, शरीर में वस्त्र होना चाहिए। निर्वस्त्र होकर स्नान अपराध माना गया। वरुण देवता नाराज होते हैं, देवता नाराज होते हैं, हर समय आपको कोई देखता है, समझो, हर समय हमें कोई ना कोई देखता है। कौन देखता है? जब आप घर में होती हो तो पति देखता है, पिता देखता है, बाहर होती हो घर के तो जमाना देखता है, कमरे में होती हो, वॉशरूम में होती हो, दरवाजा बंद है, आपको लग रहा है अब तो कोई नहीं देख रहा है, अब तो कपड़े उतार सकते हैं, नहीं, उस समय भी आपको देवता देखते हैं। माता अहिल्या को इंद्र देख रहे थे कि नहीं? और ताड़ते हुए आ गए और रूप बना लिया और उनके साथ दुराचार करने की कोशिश की थी कि नहीं? तो देवताओं से भी हमें अपने इस शरीर को, जो मर्यादा हमारे वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, मर्यादा में रहो, वस्त्र पहन कर रहो। निर्वस्त्र होकर के जानवर चलते हैं, आपके पास बुद्धि है, निर्वस्त्र नहीं। जमीन पृथ्वी मां है, इस पृथ्वी मां पर खड़े होकर के निर्वस्त्र होकर खड़े होना भी अपराध है। स्त्रियों को छाती के बल लेटना नहीं चाहिए जमीन पर, पता है आपको? जैसे पुरुष भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं, कैसे? खाली जमीन पर, खाली जमीन पर स्त्रियों को कभी भी, स्त्रियों को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, पट्ट लेटना नहीं चाहिए जमीन पर। कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है, पृथ्वी मां है। इसलिए स्त्रियों के लिए मर्यादा बनाई गई है कि स्त्रियां प्रणाम कैसे करें। आप घुटनों को जमीन में रखो, दोनों घुटने जमीन में हो और माथा जमीन में हो, बाकी का हिस्सा ऊपर की तरफ हो, ऐसे स्त्रियों को भगवान को प्रणाम। कुछ स्त्रियां दंडवत लेट जाती हैं प्रणाम करने, गलत है, आपको ज्ञान नहीं है। स्त्रियों को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। जैसे वृंदावन की परिक्रमा भी दंडवती होती है, तो स्त्रियों को दंडवती परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए। यदि लगाएं तो ऐसे दंडवत करो कि ये हिस्सा आपका जमीन में रहे, ऐसे। कैसे? ऐसे।
ऐसे जमीन में रहे, मतलब ये हिस्सा जाए, ये छाती का हिस्सा जमीन पर ना आए। मर्यादाएं हैं, पालन हम सबको करना चाहिए। पुरुषों को दंडवत करते समय अपने माथे को जमीन में रखना चाहिए, घुटनों को जमीन में, तलवों पांव को जमीन में, दसों उंगलियों को जमीन पर रखना चाहिए, और जो कमर के हिस्सा, कमर का हिस्सा है, उसको हल्का सा उठाकर ही रखना चाहिए। पुरुषों को कमर का हिस्सा ऊपर की तरफ हल्का सा उठा होना चाहिए, फिर आपको दंडवत करना चाहिए। ये दंडवत करने के नियम होते हैं। तो स्त्रियां कपड़े उतार कर नहा रही थी, सो भगवान ने कपड़ों को चुराया। अब आप बताओ कि सही किया या गलत किया, है ना? भगवान की लीलाओं के जब तक मर्म को नहीं जाना जाएगा, रहस्य को नहीं जाना जाएगा, कथा जान लेने से काम ना होगा, कथा के अर्थ को जानना पड़ेगा, रहस्य को जानना पड़ेगा, किसके पीछे का मकसद क्या है, इस कार्य के पीछे का कारण क्या है।